नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि सेबी ने सीएनबीसी आवाज के जाने माने होस्ट हेमंत घई को अब बैन कर दिया है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से, इनसाइडर ट्रेडिंग करने की वजह से। और वो किस तरह से करते थे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन देखिए बड़ी खबर है। और इसके बाद सीएनबीसी की तरफ से भी बयान सामने आ गया है कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसी के तुरंत बाद हेमंत घई को नौकरी से भी हटा दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। लगभग तीन करोड़ के आसपास इन्होंने कमाए थे, टू बी वेरी प्रिसाइज 2.95 करोड़ का बिजनेस इनसाइडर ट्रेडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से किया 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मई 2020 के बीच में। ये सारी बातें सामने कैसे आई, देखिए हेमंत घई अपनी पत्नी और अपनी मां के अकाउंट से ट्रेडिंग करते थे। जहां तक मुझे जानकारी है कि शायद ये जितने भी एंकर्स और जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं बिजनेस चैनल्स के साथ, दे आर नॉट सपोज टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग बिकॉज उनके पास सारी जानकारी आ जाती है सामने। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो गलत है, और अगर ऐसा है तो और ज्यादा बड़ी चिंता की बात है कि इन्हीं का एम्प्लॉय ऐसा कर रहा था और अभी तक इनको पता नहीं चला था। ये आखिर करते कैसे थे, ये अपना शो जो सुबह के टाइम पे होस्ट करते हैं स्टॉक 2020, काफी जाना माना शो है, आप भी हो सकता है उस शो को देखते हो। ये BTST जिसे बाय टुडे सेल टुमारो कहा जाता है, इस तरह की ट्रेडिंग करते थे। अपने शो में होने वाले सुझावों इनको पहले से पता होता था कि सुबह के इनके शो में किन स्टॉक्स के लिए आपको रेकमेंड किया जाएगा, और एक दिन पहले उन्हीं स्टॉक्स को खरीद लेते थे। सुबह 7:20 पर आपको बताते थे कि ये वाले स्टॉक्स खरीदने चाहिए, और तुरंत थोड़ी देर बाद ही उसी दिन उन्हीं स्टॉक्स को बेच दिया करते थे। यही चीजें करके इन्होंने 3 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। सेबी की नजर में आया कि कैसे अपनी पत्नी और अपनी मां के अकाउंट के थ्रू, और इनका रिलेशन पूरा एकदम फैमिली ट्री बना के ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के साथ सेबी ने अपनी इस रिपोर्ट में सामने रखा है। और उन्होंने पाया कि ये देखा गया, बहुत ही सिंक्रोनाइजेशन थी, कि जो स्टॉक्स ये खरीद रहे हैं वही स्टॉक्स को रेकमेंड किया जाता है इन्हीं के शो में। तो ज्यादातर स्टॉक्स जो इन्होंने खरीदे थे उन सब को पाया गया कि वो सारे के सारे वही थे, वो मैच करते थे उन सब रेकमेंडेशन से जो इनके शो में की जाती थी। अब सोचिए बाय टुडे सेल टुमारो की जो ट्रेडिंग होती है उसके आधार पर इनको इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिस, ये पूरी बात को समझते हुए कहा जा सकता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिस को अंजाम दे रहे थे और जानते बूझते ये सब चीजें कर रहे थे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, अभी तो और भी कई सारे लोग हैं जो कि इसमें सामने आ सकते हैं, जो भी ये सारी हरकतें शायद करते हों। कितने सारी जनता में से लोग हैं जो इन लोगों को फॉलो करते थे, आप भी हो सकता है फॉलो करते होंगे, जाने माने लोग हैं, जिस तरह की बात ये लोग बोलते थे तो लोग भी उनको पत्थर की लकीर मान लेते हैं। बाद में देखते हैं कि अचानक से इनकी रिकमेंडेशन से आपने वो स्टॉक खरीद लिया ये सोचते हुए कि बहुत हाई जा रहा है, और तुरंत थोड़ी देर बाद वो एकदम से गिर जाता है। आप लोगों का नुकसान हो जाता है लेकिन इन लोगों का फायदा हो जाता है। तो किस तरह से ये करते थे, जो इनके शो पर रेकमेंड होने वाले हैं इन्हें पहले से पता होता था, आपके सामने ये जताया जाता था कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, ये आपको खरीद लेने चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता था कि ये वो स्टॉक्स को रेकमेंड कर रहे हैं आपके सामने जो इन्होंने पहले से खुद खरीद लिए हैं। आप समझेंगे कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, फिर आप भी उसको खरीदना शुरू कर देंगे, इन लोगों का फायदा हो गया, और फिर एकदम से ये फिर उसको बेच दिया करते थे जिससे इनका तो फायदा हो जाता था लेकिन आप खरीदते थे और वो शेयर गिर जाता था, वो स्टॉक नीचे गिर जाता था तो आपका नुकसान हो जाया करता था। ये अभी सेबी ने इनके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाती है कि किसी भी तरह की ये अब ट्रेडिंग से जुड़ी ना ही कोई रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं, ना ही इस तरह की कोई एडवाइस किसी को दे सकते हैं। हर तरह की रोक अभी फिलहाल इनके ऊपर लगा दी गई है। 2 करोड़ 95 लाख रुपए जो है वो भी अभी बिल्कुल अधर में लटके हुए हैं, वो अब हेमंत घई और उनके परिवार को बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से कमाए गए पैसे हैं। और भी कई लोग हो सकता है कि पूछताछ में सामने आए कि आखिर और कौन कौन लोग थे जो हेमंत घई के अलावा, क्योंकि एक शख्स ऐसा नहीं करता होगा, और भी लोग होंगे। ये भी जानना जरूरी है कि क्या इनकी पत्नी और इनकी माँ को इस बारे में पता था कि हेमंत घई आखिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड या आपके बेटा अगर आपके अकाउंट पे आपके नाम से एक अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग करता है, किस तरह से कर रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू रियली नो अबाउट इट। आपको कितना ट्रेडिंग के बारे में पता है, और क्या अपने ही कुछ और लोगों के नाम से भी इन्होंने ये सारे ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस की होंगी, क्योंकि इनके बारे में इसलिए सामने आ गया है बिकॉज ही वॉज रिलेटेड टू देम, रिलेशन था तीनों में आपस में, इसलिए सेबी को बहुत आसान हुआ ये पूरी फैमिली ट्री निकाल के रखना और ये पता करना कि हेमंत घई ने ही ये सब किया है। क्योंकि जो जया हेमंत घई है उनकी पत्नी और जो श्याम मोहिनी घई उनकी माँ, उनके अकाउंट से ये सब चीजें हुई हैं, तो वो फैमिली ट्री आप सीधे सीधे बता सके कि इनसे रिलेटेड है। लेकिन और कई लोग जो कि इनके ब्लड रिलेशन में नहीं है लेकिन हो सकता है कि हेमंत ने उनके नाम से भी अकाउंट बनाए हों,
हो सकता है अभी तो सारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा और हो भी सकता है कि ऐसा ना हो अभी, लेकिन जो आरोप है ये बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से और बहुत बड़े आरोप है ये सीएनबीसी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो जो शो करते हैं आपके सामने स्टॉक्स की जानकारी देते हैं वो कितना सही होता है, या फिर वो ऐसे स्टॉक्स की जानकारी दे रहे हैं जिसमें कि लोग पहले से ही उन स्टॉक्स को खरीद लेते हैं और आपके सामने ये प्रेजेंट ये प्रिटेंड करते हैं कि वो स्टॉक बहुत अच्छे होने वाले और उनको देखिए कितनी अच्छी नॉलेज है। इससे आपको तो यही लगेगा कि देखिए सामने वाले को कितनी अच्छी नॉलेज है, जैसे इस शख्स ने बताया उसके बाद इसके देखिए प्राइस कितना बढ़ता चला गया। सो ये पूरा एक बहुत बड़ा स्कैम है, पूरा एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें अब धीरे धीरे और भी लोग इन्वॉल्व हैं। कौन है, कब से इन्वॉल्व है, कब से ये सब हरकतें हो रही थी, कब से सब काम हो रहा था, सारी अब बातें अब धीरे धीरे सामने खुलकर जरूर आने लगेगी। आपको बता दें कि सुबह के टाइम का इनका शो था, 7:20 पर ये सब जानकारियां आपके सामने देते थे, कई सारे गेस्ट भी उसमें हुआ करते थे और जिन स्टॉक्स को आपके सामने पुश करते थे उन स्टॉक्स के बारे में तो इनको पहले से पता होता था और उसको पहले से खरीद चुके होते थे और पुश करने के बाद एकदम से बेच दिया करते थे। तो ये पूरा का पूरा नेक्सस था जो कि चलता आ रहा था और अभी ये सिर्फ 1.5 साल के बीच का है जो कि सेबी ने गैदर किया है कि सिंक्रनाइजेशन बहुत दिखी है। इससे पहले भी इन्होंने सब की चीजें की हो, लेकिन हो सकता है उसमें सिंक्रनाइजेशन ना दिखाई दी हो, तो वो बिल्कुल फेयर प्रैक्टिस से हो सकता हुआ हो, लेकिन जहां पर अनफेयर प्रैक्टिस दिखाई दी है वो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मई 2020 के बीच में दिखाई दी है। जो इनके शो पर स्टॉक्स आपके सामने परोसे गए वही स्टॉक्स थे जो इन्होंने एक दिन पहले खरीद लिए थे। आई एम श्योर कि अगर आप समझते हैं तो BTST का पूरा तरीका क्या होता है वो समझ ही रहे होंगे, नाम से समझ सकते हैं आप, बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदा कल बेचा, ये पूरा एक तरीका होता है जो कि फेयर तरीके से भी किया जाता है। लेकिन ये इस बाय टुडे सेल टुमारो वाला जो पूरा फॉर्मूला है उसको किस तरह से अपने लिए फायदेमंद और आपके लिए नुकसानदेह बना रहे थे ये पकड़ में आ गया है अब सेबी को। और सेबी के बारे में आपको पता ही है कि मार्केट प्रैक्टिसेस का वॉचडॉग है, उसकी पूरी नजर रहती है कि कोई भी गलत तरीके से ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी भी चीज होगी तो उसके ऊपर भी नजर रखना सेबी का काम है। हर्षद मेहता स्कैम आपको पता ही है, उसके ऊपर अब तो आपने सीरीज भी देख ली होगी तो और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सब चीजें क्या होती हैं। तो ये पूरी प्रैक्टिस जो एक होस्ट कर रहा था चैनल का, और ये बहुत गंभीर विषय था इसीलिए चैनल ने बहुत जल्दी कार्रवाई भी कर दी उनके खिलाफ, ये बहुत चिंता का विषय था क्योंकि ये पूरी तरह से उस चैनल, उनके पूरे प्लेटफॉर्म, उनके शोज क्रेडिबिलिटी को के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और देखना है कि ऐसे और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ये एक चीज शुरू हुई है, अब आगे आगे कई लोगों के बारे में इसके थ्रू पता चल सकता है, जांच आगे बढ़ेगी। तो नमस्कार, सत्यमेव जयते।